अगर आपके पास ब्रदर का DCP-L2520D प्रिंटर है और इसमें रिप्लेस टोनर का इस तरीके का एरर आ रहा है। और इसको रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, पहली नंबर पर आपको इसको खोलकर ड्रम यूनिट को बाहर निकालना है। ड्रम यूनिट बाहर निकालने के बाद आपको ये बटन क्लियर बटन 5 सेकंड के लिए दबाकर रखना है। उसके बाद आपने ओके वाला बटन दबाना है। इसके बाद आपको ऑप्शन आएगी लिखकर रिप्लेस टोनर यस और नो, तो आपको स्टार्ट वाला बटन दबाकर एक बार स्टार्ट बटन दबाना है। उसके बाद आपको प्लस का बटन दबाना है, फिर माइनस का बटन दबाना है, फिर आपको यहाँ 00 शो करेगा और उसके बाद आपने ओके का बटन दबाना है। और जब ये ओके का बटन दबा दोगे तो इसका टोनर को आपने अंदर डाल के इसको चलाकर देखना है। अब आपका टोनर रीसेट हो गया है।